तो गाइस फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं। चेक करो भाई मंदिर। और भाई ये मंदिर का इतिहास है, ये देखो भाई पूरा इतिहास बता रखा है इधर की। क्या मंदिर का इतिहास है, हिमाचल प्रदेश के झीला मंडी में समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर बना माता शिकारी देवी का मंदिर आज भी लोगों के लिए रास्ता बना हुआ है। आज तो कोई भी शख्स इस मंदिर की छत नहीं लगा पाया। क्या व्यू है, यहाँ देखो भाई, यहाँ हम खाना खाने रुके हुए हैं, यहाँ घर की खाना खा रहे हैं। और देखो भाई, तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है फिर से। और आज है 13 तारीख सोमवार का दिन, और आज हमें जाना है करसोग। आज हम करसोग जा रहे हैं घूमने, और मानसी भी रेडी हो चुकी है। सुबह का टाइम है और समय हो रहा है 8:30। मानसी को भी स्कूल छोड़ना है। मानसी बोल रही है कि आज मुझे स्कूल छोड़ना आप, तो मानसी को स्कूल छोड़ेंगे और वहाँ से चलेंगे RTO, क्योंकि मुझे गाड़ी का नंबर डलवाना है आज। और उसके बाद जाएंगे वहीं से ही हम शिकारी माता मंदिर। व्यू चेक करो भाई, आज का व्यू कुछ ऐसा है सुबह का, यहाँ से नीचे ये है भाई कुछ। तो भाई जल्दी जल्दी निकलते हैं, मानसी को भी स्कूल छोड़ते हैं और वहाँ से सीधा चलते हैं करसोग। तो भाई ये है सुन्नी का पुल, और अभी यहाँ से हम सीधा जाने वाले हैं करसोग सुन्नी होके, क्योंकि हमने मानसी को पहले स्कूल छोड़ना है, उसके बाद निकलेंगे। हेलो, तो उसके बाद निकलेंगे भाई। ये है अभी, नमस्कार सर। तो ये है सुन्नी बाजार जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ हमारी दुकान भी है, यहाँ बस अपना घूमने घामने का काम रहता है। बेसिकली मैं यहीं से ही हूँ, ये अपने सुन्नी का बाज़ार, यहाँ हमारी दुकान भी, और यही मानसी का स्कूल है, यहीं पड़ती है ये। यहाँ से ऊपर जाना है, इस रास्ते में स्कूल है, इसका ऊपर स्कूल है। चेक करो भाई, ये ना बड़ा ज़बरदस्त बना है, जितने भी मंत्री वगैरह सभी यहाँ आके रुकते हैं, जब भी वो आते हैं सारे मिनिस्टर्स वगैरह, सभी मिनिस्टर्स वगैरह यहीं आके रुकते हैं। चेक करो भाई, हाँ पर बैंक अभी बंद है, शाम को जाऊँगा बैंक। तो यहाँ उतरेगी ये अपना करसोग है भाई, चेक करो भाई। तो चलो भाई फाइनली करसोग पहुँच चुके हैं, यहाँ से अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर होगा। तो बड़ा पसंद है भाई करसोग, हर कहीं से पास ले रहा है जो रॉन्ग साइड, गालियां भी अलग से खाएगा, रॉन्ग साइड पास ले लेते हैं। एक ही भाई कहीं से भी पास ले लेते हैं, लेफ्ट राइट ये नहीं देखते कि यहाँ पे लेफ्ट से पास लेना है, राइट से रॉन्ग भी पास ले लेते हैं। वाली आदत बड़ी हुई है, जाएगी थोड़े ना एकदम से। ये भाई करसोग का बस स्टैंड, और यहीं जाना है हमें थोड़ा आगे। तो भाई कैसा लग रहा है ये देखो भाई, चेक करो, भाई जी ये RTO की तरह, RTO नीचे नमस्कार जी, यहाँ RTO किधर है, RTO किधर है, RTO RTO जहाँ नंबर प्लेट वगैरह का वो होता है नंबर, तहसील किधर है, तहसील आगे है कॉलेज के साथ, तो गाइज हमारा काम RTO का डन हो चुका है। और समय देखो भाई 1:10, इतना टाइम वेस्ट हुआ है ना भाई, बहुत टाइम लग गया,
जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया भाई। SDM ऑफिस में हम SDM ऑफिस तक गए थे, पर हमने सोचा नहीं था कि SDM ऑफिस में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पर चलो भाई जो भी है, निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ देखो भाई, यहाँ हम खाना खाने रुके हुए हैं, यहाँ घर की खाना खा रहे हैं। और देखो भाई, यहाँ पे पानी भी चल रहा है, पानी भी यहीं पे आ रहा है, देखो यहीं से पानी पी रहे हैं। यहाँ खाना चल रहा है और वहाँ भाई व्यू, मतलब बॉटल वहाँ, मतलब ऊपर से देखो भाई, हेलो भेड़ बकरियाँ ही भेड़ बकरियाँ। नीचे व्यू चेक करो भाई, यहाँ से ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है भाई। और बस भी आ रही है भाई। अच्छा बस भी आती है क्या इधर? वाह यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओह, पर धूल मिट्टी कर दी भाई बस ने। ओहो, तो हम पहुँच चुके हैं गाइस मंदिर के बिल्कुल नज़दीक। और ये देखो भाई, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है ऊपर। चेक करो भाई, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है, बाइक्स वगैरह सभी। और हमने भी अपनी बाइक को यहाँ देखो मतलब पार्क कर दिया है। और ये निकी की बाइक है और ये मेरी बाइक है। यहाँ से हम ऊपर वॉकिंग जाएंगे, यहाँ से 10 मिनट का डिस्टेंस है। चेक करो भाई, सीढ़ियाँ जा रही है जो ये सीधे मंदिर तक जाती है। 300-400 सीढ़ियाँ हैं ये लगभग। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो आप भी कभी अगर मंदिर आते हो तो गाइस देखो, रास्ते में दुकानें भी मिल जाएगी आपको। जैसे ही आप पैदल जहाँ से ऊपर पार्किंग है वहाँ से अगर आप ऊपर को आते हो तो आप वो दुकानें बहुत सी मिल जाएगी जहाँ से आप माता का प्रसाद भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप साथ कैरी करके आओ, बट यहाँ पे दुकानें भी हैं। तो पानी की व्यवस्था भी आपको इधर ही मिलेगी। गांव में नीचे हो जाए चाहे पहाड़ी के टॉप पे हो जाए, पानी आपको पहाड़ों में भाई हर जगह मिलेगा। पानी की कमी नहीं है। और भाई हवा जो चल रही है ना, क्या अच्छी हवा चल रही है। और ठंड हो रही है भाई। करसोग में नीचे देखोगे ना तो करसोग में इतनी गर्मी हो रही है, मतलब ज़बरदस्त गर्मी है करसोग में। और यहाँ इतना ठंडा मौसम है, यहाँ आके जैकेट पहन लिए, देख सकते हो आप। तो गाइस फाइनली हम मंदिर पहुँच चुके हैं। चेक करो भाई मंदिर। और भाई ये मंदिर का इतिहास है, ये देखो भाई पूरा इतिहास बता रखा है इधर की, क्या मंदिर का इतिहास है। हिमाचल प्रदेश के झीला मंडी में समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर बना माता शिकारी देवी का मंदिर आज भी लोगों के लिए रास्ता बना हुआ है। आज तो कोई भी शख्स इस मंदिर की छत नहीं लगा पाया। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ कई सालों तक तपस्या की थी। उन्हीं की तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा शक्ति के रूप में स्थापित हुई। और बाद में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ मंदिर का निर्माण किया। स्थानीय पौराणिक कथाओं का कहना है कि शिकारी माती मंदिर का इतिहास उस समय का है जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान एक दिन जब पांडव शिकारी देवी जंगल में अखेट के लिए गए थे, तब वहाँ उन्हें एक सुंदर हिरण दिखाई दिया और पांडवों ने उसे बहुत देर तक उस हिरण का पीछा किया, लेकिन शिकार नहीं कर सके, अन्यथा हिरण रहस्यमय रूप में जंगल में विलुप्त हो गया। यात्री काल में शिकारी की पहाड़ियों से पांडवों को एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें उस जगह का पता लगाना चाहिए जहां उनकी आदि शक्ति प्राणितिक मूर्तियां पड़ी है और उन्हें लोगों की पूजा एवं इच्छा पूर्ति हेतु स्थापित किया जाना चाहिए। अतः पांडवों ने तुरंत देवी के निर्देशों का पालन किया। वह देवी की इच्छा अनुसार पत्थर की मूर्तियां ढूंढकर एक बिना छत वाले मंदिर की स्थापना की। तत्पश्चात उन्हें पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस मंदिर में ना भाई हर एक जगह भाई इन सीढ़ियों में, इस जगह नीचे, हर जगह पूरी पहाड़ी में, बल्कि इस मंदिर के अंदर भी जो मंदिर की मूर्तियां हैं भाई और उसके आसपास जो अंदर मंदिर का अंदर की जगह है उसमें बर्फ नहीं पड़ती, मंदिर के बाहर भी बर्फ पड़ती है भाई। चेक करो यार, इस मंदिर के अंदर ही मूर्तियों के पास बर्फ नहीं पड़ती है। ये भी एक भाई देखने वाली बात है और समझने वाली बात है, चमत्कार है भाई, माता की कृपा है इस मंदिर में। तो ये वो पल है भाई जो अब हमें हमेशा याद रहने वाले हैं। माता के दर्शन कर दिए हैं भाई शिकारी माता। वो भी बहुत समय से कोशिश कर रहे थे हम आने की, बल्कि मैं 2 बार आ चुका हूँ और मैं दोनों बार ही मंदिर नहीं पहुँच पाया हूँ यार, इतनी ज़्यादा वो रह चुकी है मेरे साथ। पर इस बार भाई माता ने कृपा दिखा दी, दर्शन लिखे थे भाई इस बार ही माता के। और ये भाई चेक करो यार, मतलब जो भाई जब लिखा है ना वो दर्शन तब ही होने हैं।
भाई अगर आप हिमाचल आए हो और आप लोग मंदिर के उससे आए हो कि भाई मंदिर आना चाहते हो, कभी भी शिकारी देवी को मिस मत करना भाई, अपनी लिस्ट में डाल दो भाई इसको। जाकू जाते हो तो भाई यहाँ भी आओ, करसोग में ये सरनारली से एक रास्ता जाता है ऊपर, गाड़ी नीचे तक आती है यहाँ पे नजदीक तक, 10-12 मिनट का रास्ता है भाई ज्यादा से ज्यादा पैदल। पर भाई अगर आप आते हो मंदिर के जाना चाहते हो आपकी, मुझे मंदिर जाना है, मंदिर घूमना है मुझे और माता के दर्शन करने हैं, तो प्लीज़ भाई यहाँ ज़रूर आए, मस्ट विजिट प्लेस है भाई, है क्या ज़बरदस्त जगह है भाई है, और भाई माता की कृपा आप पे और दुगनी हो जाएगी भाई अगर आप यहाँ आओगे। तो अगर आए ही हो इधर तो प्लीज़ कभी आओ अगर इधर, तो यहाँ ज़रूर बैठना एक दो घंटा यार, क्या हवा चल रही होती है इधर, और भाई शांति भी आप लोगों को बहुत मिल जाएगी अगर आप यहाँ थोड़ी देर बैठोगे तो। प्लीज़ अगर आप आओगे भी तो यहाँ डायरेक्ट आना, माथा टेकना और ऐसा मत करना कि चले जाना भाई, थोड़ी देर यहाँ ज़रूर बैठें और माता के दर्शन करने के बाद भाई बहुत सुकून है इस जगह में, इतना सुकून आ रहा है ना।